रीवा जिले के मऊगंज में स्थित कन्हैया डैम की हालत भी जर्जर होती जा रही है। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार ने पहुंचकर ग्राउंड जीरो से बांध का मुआयना किया तो कन्हैया बांध की स्थिति दयनीय नजर आई। गौरतलब है कि रिटायर्ड अधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर मऊगंज हनुमाना क्षेत्र के सरकारी बांधों के विषय में सर्वे अभियान चला रहे हैं, जिसमें जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए बांधों की दुर्दशा दिखाई जा रही है। अमूमन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए बांधों के विषय में कोई इतना रुचि नहीं लेता और यहाँ तक कि ग्रामीण लोग भी मामला आया गया मानकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन शिवानंद द्विवेदी और उनकी टीम के कई रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर पूरे जिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा कराए गए कई निर्माण कार्य के पोल खोल का काम कर रहे हैं। इससे सरकारी महकमे में खलबली मची हुई है। कब किसका भ्रष्टाचार सामने आ जाए, अधिकारी इसी उहापोह में बैठे हैं। अभी हाल ही में पिछले दिनों लगभग 855 करोड़ की लागत से बनाई जा रही नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना के विषय में भी विस्तार से मामला प्रकाशित हुआ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीफ इंजीनियर बाणसागर मंडल गंगा कछार के द्वारा JP एसोसिएट कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। हालांकि ब्लैक लिस्ट करने से कोई समाधान नहीं निकला है, क्योंकि किसानों की सिंचाई ना होने के कारण जो अरबों खरबों का नुकसान हुआ उसका हिसाब अभी किया जाना बाकी है। वापस लौटते हैं मऊगंज क्षेत्र में बनाए गए बांधों की स्थिति के विषय में, जहां मौके पर पहुंचकर देखा गया तो पाया गया कि कन्हैया बांध में बूंदों में पानी नहीं है और बांध के दोनों तरफ के दीवारों में पिचिंग का काम भी नहीं हुआ है और साथ में लैंगिट्यूडनल एवं क्राइस्डेन भी सही तरीके से नहीं बनाई गई। जगह जगह बांध के भीट में मिट्टी का कटाव देखने को मिला, जैसे पहले भी कोल्हा और जूड़ा डैम में देखा गया था। ठीक वैसे ही यत्र तत्र एरिया में साफ सफाई का कार्य और मेंटेनेंस का कार्य ना किए जाने के कारण बड़े पेड़ भी उगाए थे। स्वाभाविक तौर पर पिचिंग के बीच विस्तारित होकर यह पेड़ पौधे भीट को नुकसान पहुंचा रहे थे। स्लोस क्षतिग्रस्त देखने को मिला, जहां क्रंकीट में क्रेक भी देखे गए, साथ में रैलिंग के अभाव में दुर्घटना होने की संभावना व्यक्त की गई। आइए पूरे मामले में देखते हैं कि जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SBS परिहार ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी को कन्हैया बांध के विषय में क्या जानकारी दी। इस टैंक में भी, कन्हैया टैंक में भी आधे बंड में देखिए वेजिटेशन को इस प्रकार से लगता नहीं कि डैम है, ऐसा लगता है कि 4-5 साल से कुछ देखा नहीं, किसी को देखा कि इसमें कहीं चैनेज का कहीं दिखते हैं, कहीं चैनेज स्टोन नहीं। बंड में एकदम खास पूरी तरीके देखिए, आप इधर फोटो ले लीजिए इस साइड का, पूरा इस तरीके से आधे बंड में पूरा PPL से लेकर के डाउन स्ट्रीम स्लोप में पूरा वेजिटेशन ग्रोथ डेवलप हो गया है। लॉन्गिट्यूडनल कहीं डैम नहीं दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडनल में बाढ़ ऐसा लगता है कि इनकोचमेंट हुआ। जमीन के सीमांकन कराए तो पता चला कि डाउन स्ट्रीम में कम से कम 10 इंच की दूरी तक इनका होना चाहिए, तो 10 इंच में तो जाए खेत हो तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये जो है पूरा इनकोचमेंट हो रहा है, जो बाढ़ कूद रही है कहीं पर सीमांकन ना कारण कारण सारा इनकोचमेंट है, पूरा डाउन स्ट्रीम इनकोचमेंट कर रहे हैं। और हो सकता है कि लोगों ने पटा दिया हो, डैम बनी हो, लॉन्गिट्यूडनल डैम तत्काल आवश्यकता है ताकि पानी जब भरेगा उससे वाटर मिल जाए।